अजय सिंह, प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट वन, बी ई सी सी कोर्स कोड 133, द टॉपिक पहला विषय इश्यूज एंड कॉन्सेप्ट्स, ये डिस्कस करेंगे। इश्यूज का मतलब होता है मुद्दे एंड कॉन्सेप्ट्स का मतलब धारणा, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स केड़े-केड़े मुद्दे हैं जिहड़े कि असी स्टडी करते हैं, कि धारणावां ने जिन्हों मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टिगत अर्थशास्त्र के विच असी स्टडी करते हैं। तो 18वीं सदी के शुरू दे विच समष्टिगत अर्थशास्त्र जैसे जी कोई अर्थशास्त्र की ब्रांच नहीं सी, मैक्रो इकोनॉमिक्स की कोई ब्रांच नहीं सी। क्रगमैन अते वेल्स के मुताबिक रैगनर फ्रिश एक इकोनॉमिस्ट सी, रैगनर फ्रिश RAGNAR, रैगनर फ्रिश FRISCH, फ्रिश ने 1933 के इकोनॉमिक्स को दो हिस्सों में वंडिया, माइक्रो इकोनॉमिक्स अते मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो 1933 के मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का एक यानी कह लो जन्म हुई, लेकिन सिद्धांतिक तौर पर थोरेटिकली इसका जो विकास है जेम केन्स एक इकोनॉमिस्ट उन्होंने 1936 के 1936 एक पुस्तक प्रकाशित की, जनरल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट इंप्लॉयमेंट एंड मनी, एक किताब का नाम है। उस दे विच सिद्धांतिक तौर पर इसका विकास होया। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जिन्हों असं समष्टिगत अर्थशास्त्र पंजाबी कह दें, इसका जो संबंध है अर्थव्यवस्था के समूह के नाल है, मतलब कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है इकोनॉमी के जो एग्रीगेट बिहेवियर को समूहिक समुचे बिहेवियर को का अध्ययन कर रहा है। इस दे विच असीं एक फर्म की मांग का अध्ययन नहीं कर रहे, कुल मांग की गल कर रहे हैं जिन्होंने असीं एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। कुल एक जो हाउस होल्ड है, एक जो घरेलू इकाई है, उसकी मांग की गल नहीं कर रहे, मांग की गल कर रहे हैं जिन्होंने असीं एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। एक फर्म द्वारा पैदा की गई या फर्म द्वारा सप्लाई की गई या पूर्ति की गई वस्तुओं की गल नहीं करते, असी टोटल सप्लाई की गल कर रहे हैं जिन्होंने असी एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। तो असी एक फर्म की इनकम या एक इंडस्ट्री की इनकम निश्चित नहीं करते या उसका निर्धारण नहीं करते, उसकी गल नहीं करते, असी नैशनल इनकम की गल करते, राष्ट्रीय आमदन की गल करते। एक असी जिहड़ी पावर्टी इनक्वालिटी जिहड़ी टोटल इंप्लॉयमेंट नैशनल लैवल ते, ये जिहड़ियां प्रॉब्लम्स ने प्राइस लैवल, एक वस्तु की कीमत की गल नहीं करते, असी जनरल प्राइस लैवल की गल करते। एक कंज्यूमर या एक फर्म कदों संतुलन की हालत में होती है उसकी गल नहीं करते, असी नैशनल लैवल से इक्विलिब्रियम किवें होंगे, जनरल इक्विलिब्रियम किवें होंगे, सामान्य संतुलन किवें होंगे, उसकी असी गल कर रहे हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो संबंध है वो एग्रीगेट बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी के नाल होंगे, लेकिन इस असी जे एक एग्जाम्पल के नाल असी समझाने की गल करिए, तो कुछ जो कॉन्सेप्ट्स ने जो असं माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी किए हैं, व्यक्तिगत अर्थशास्त्र से स्टडी किए हैं, वो जरूरी नहीं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स भी ठीक हो। जिस तरह ये आम तौर पर कहा जाता है कि जे एक इंडिविजुअल सेविंग करता है तो वो अच्छा है, तो सेविंग्स उन्होंने ज़्यादा करनी चाहिए है, सेविंग जो है उसका अभिशाप वर्चू का काम करता है। लेकिन जे सारे कंज्यूमर्स सेविंग करने लग जाए तो उस केस के होगा
नेशनल इकोनॉमी की सेविंग ज्यादा हो जाएगी और कंजम्पशन है जी डिमांड है वो की है घट जाएगी एक वॉइस का काम कर रही है। तो मतलब इंडिविजुअल लैवल के उत्ते माइक्रो लैवल से सेविंग एक वर्चू है, सेविंग एक वरदान है, लेकिन मैक्रो लैवल से सेविंग एक अभिशाप है, एक वॉइस है। तो इस तरह ही जे एक इंडिविजुअल जरा वर्कर है उसकी कोशिश होती है कि मैं अपने वेजिस को बढ़ावा, मेरी मजदूरी भी तरक्की है ज़्यादा होती है, तब जो मजदूरी की दर ज़्यादा होती है उसकी इनकम ज़्यादा होएगी, जो इनकम ज़्यादा होएगी तो उसकी की है डिमांड की है ज़्यादा करेगा, तो डिमांड ज़्यादा करेगा उसकी जो स्टैंडर्ड लिविंग है उसकी जी प्रोस्पैरिटी है उसकी खुशहाली की है ज़्यादा। लेकिन जो असी नैशनल लैवल से ले लीए कि जो नैशनल लैवल से वेज रेट इनक्रीज हो जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक लैवल से देखिए जो वेज रेट ज़्यादा हो जाता है, मजदूरी की दर ज़्यादा हो जाती है, मजदूरी की दर ज़्यादा होने मतलब कॉस्ट ऑफ यूजिंग द लेबर वो की है ज़्यादा होगी, तो मजदूरों यूज करने की जी लागत है ज़्यादा होगी, लागत ज़्यादा होने उत्पादन की जो लागत ज़्यादा होगी तो की होगा उत्पादन की लागत ज़्यादा होने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, प्राइस की है ज़्यादा हो जाएगी, प्राइस ज़्यादा होने डिमांड की है घट जाएगी, जो डिमांड घट जाएगी तो प्रोडक्शन भी घट होएगी, जब प्रोडक्शन घट होएगी तो इंप्लॉयमेंट भी घट होगी। तो नैशनल लैवल पर असं कह सकते हैं कि वेज रेट चंगा नहीं है, वेज रेट का इनक्रीज होना ज़्यादा इकोनमी के लिए चंगा नहीं है। तो इस माइक्रो इकोनॉमिक्स से मैक्रो इकोनॉमिक्स का रिलेशनशिप है, बड़ा रिलेशनशिप है, लेकिन कुछ जो कंसैप्ट ने कुछ जो धारणावान ने जो माइक्रो लैवल से सू ठीक लगदिया ने वो मैक्रो लैवल से ज़्यादा ठीक नहीं होंगे। तो जरूरी नहीं है कि असी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में साइमल्टेनियसली स्टडी करिए, उन्होंने इस करके अलग अलग सू स्टडी करने की लड़ होगी। तो जिस तरह मैं दसिया कि मैक्रो लैवल से जो प्रॉब्लम्स ने वो माइक्रो लैवल के प्रॉब्लम्स के नालों थोड़ी जी डिफरेंट होंगी, थोड़ी जी की बिल्कुल ही अलग। माइक्रो लैवल से तो असी एक फर्म जी है उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि मैक्सीमाइज किस तरह किया जाए प्रॉफिट में, कंज्यूमर की कोशिश होती है कि मैक्सीम सैटिस्फैक्शन जी कि प्राप्त किया जाए, इस तरह छोटे छोटे जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव होंगे। लेकिन मैक्रो लैवल से जो ऑब्जेक्टिव हैं कि आर्थिक विकास किमें किया जाए, आर्थिक विकास की दर के इकोनॉमिक ग्रोथ की दर के किमें वाधा किया जाए, कला नैशनल इनकम की ग्रोथ है जी राष्ट्रीय आमदन की ग्रोथ ही नहीं करनी, इकोनॉमी की जी ओवरऑल इकोनॉमिक डिवेलपमेंट है आर्थिक विकास जी है वो करनी होंगी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलप करनी होंगी है, डिफरेंट जो सैक्टर्स ने एग्रीकल्चर सैक्टर है, इंडस्ट्रियल सैक्टर है, जी सेवाओं का खेत्र है उसका विकास करना होंगे, फिर बैंकिंग सैक्टर जीडिया हो मतलब कि साढ़े को होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स ने ट्रांसपोर्टेशन है डिफरेंट मोड्स ट्रांसपोर्टेशन के, फिर एजुकेशन लैवल है हेल्थ है, ये सारी असं मैक्रो लैवल पर की है डिवेलपमेंट करनी है। कला यही नहीं करना, इन्हों डिवेलप करने के लिए असं जो डिवेलप करेंगे तो इंप्लॉयमेंट जनरेट करनी एक बहुत बड़ा मुद्दा होंगे, एक इशू होंगे मैक्रो लैवल पर कि अनइंप्लॉयमेंट को कैसे घटाया जाए या इंप्लॉयमेंट के वाधा जरा कीमत किया जाए। फिर नैशनल लैवल से जो डेट है जो कर्जा है वो इंटरनल डेट किन्ना है एक्सटर्नल डेट किन्ना है, उन्हों का रेट ऑफ इंट्रस्ट किन्ना है, एक्सटर्नल डेट जो ज़्यादा है तो वह किमें घटाया जाए, किमें बहरले मुल्क का जरा या बहरले जो विदेशी संस्थावान ने अंतरराष्ट्रीय संस्थावान ने उन्हों तो देश के विकास के लिए जो कर्जा लिया है उस कर्जे तो किमें मुक्त होया जाए, किमें वापस किया जाए, एक्सपोर्ट जोड़ा है वह किमें बताया जाए, तो कि आइटम जी ने एक्सपोर्ट कि आइटम्स का एक्सपोर्ट किया जाए, इंपोर्ट किमें घटाया जाए, इंपोर्ट की सब्सटीट्यूशन किमें की जाए,
ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਆਈਟਮਸ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਨਟਰੀ ਪੋਲਿਸੀ ਬੈਂਕ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਸਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਸਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਈਕਲਸ ਨੇ ਵਪਾਰਿਕ ਚੱਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲਸ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮਾਡਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੈਕਰੋ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸੈਪਟਸ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਸੈਪਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੋਕਸ ਐਂਡ ਫਲੋ ਸਟੋਕ ਐਂਡ ਫਲੋ ਫਲੋ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸਟੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਡਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਰਮਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਡ ਆਈਟਮ ਜਾਂ ਫਾਈਨਲ ਗੁਡਸ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੋਕ ਤਾਂ ਸਟੋਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਜੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੋਵੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਈਨਲ ਗੁਡਸ ਫਿਨਿਸ਼ ਗੁਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਹੈ ਇਕਿਪਮੈਂਟਸ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਲਥ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੀਪ੍ਰੋਡਿਊਸੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨ ਮੇਡ ਆਈਟਮਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਲਥ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਈਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮਨੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿੰਨੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡੈਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਸ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੇ ਸਟੋਕਸ ਦੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਫਲੋ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਏ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 12 ਘੰਟੇ 'ਚ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਜਾਂ 10 ਘੰਟੇ 'ਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਲੋ ਆਫ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਲੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਈਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੇਵਿੰਗਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ
कंजम्पशन, उपभोग, प्रॉफिट्स, लाभ, बोरिंग्स किनिया से उधार लेना, ये एग्जाम्पल्स ने फ्लो की। तो जो स्टॉक्स जो है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इकट्ठा होता है, गेट्स एकमुलेट हो जाता है, तो इस स्टॉक ऑफ कैपिटल नो चेंज ऑफ स्टॉक ऑफ कैपिटल नो असी कहते हैं इन्वेस्टमेंट। तो स्टॉक नो असी एक फ्लो का मतलब जो फ्लो आया जो भी चेंज आई है वस्तुओं के बीच कैपिटल गुड्स है इंटरमीडिएट गुड्स है फाइनल गुड्स है रॉ मटेरियल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो वस्तुओं के भंडार में चेंज आई है उसको जो इकट्ठा कर ले इंटैग्रेशन उसको असी स्टॉक भी कह सकते हैं। दैट इज द मतलब यू मे से फ्लो का जो इंटैग्रेशन है उसका जो टोटल है दैट इज द स्टॉक फ्लो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम स्टॉक इज द इंटेग्रेशन ऑफ द फ्लो ओवर ए पीरियड ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो नेक्स्ट कंसेप्ट जरा असी इस दे विच डिस्कस करना है दैट इज द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन अल्पकाल दीर्घकाल। असी मैक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं कि शॉर्ट रन की होता है लॉन्ग रन की होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स असी शॉर्ट रन कहते हैं कि वो समय जिस दे विच कुछ उत्पादन के साधन स्थिर रहते हैं और कुछ दे विच परिवर्तन किया जा सकता है उसको असी शॉर्ट रन कहते हैं। तो इस काल दे विच असी सारे उत्पादन के साधनों में परिवर्तन या तब्दीली नहीं कर सकते लेकिन लॉन्ग रन जड़ा है माइक्रो इकोनॉमिक्स उसको की कहते हैं जो कोई भी उत्पाद का साधन स्थिर ना हो सारे उत्पाद के साधनों में असी तब्दीली कर सकते हुए तो उसमें असी दीर्घकाल या लोंग टर्म कहने। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा जहा माइक्रो इकोनॉमिक्स नालों डिफरेंट है। तो माइक्रो इकोनॉमिक कुछ वेरिएबल्स जो ने स्टिकी होंगे मतलब स्थिर होंगे शॉर्ट टर्म जिस तरह असी जो मॉडल्स की या थ्योरीज की डिस्कशन करते हैं तो असी प्राइस लैवल वेज रेट असी की मान लेंगे स्टिक कर लेंगे असी कॉन्सटेंट मान लेंगे। तो जिस तरह असी पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो ने मतलब परंपरागत जो ने अर्थशास्त्र ने वो मान के चल रहे हैं कि जो प्राइसिस एंड जो वेजिस ने वो फ्लैक्सीबल हो और लचकदार हो इस तरह वो एडजस्टमेंट हो गए कि कुल मांग कुल पूर्ति के जरा संतुलन है एक मतलब न्यू इक्विलिब्रियम जो रीच हो नवे संतुलन से असं पहुँच जाइए वो जो बेस लैवल घट जाती है तो वेजिस घटन के नाल जी है वह इंपैक्ट डिमांड एंड सप्लाई पर कुछ और पाएगा जो प्राइस लैवल के चेंजिस होती है तो उसका इंपैक्ट कुछ और पाएगा। रिटेल के क्लासिकल थ्योरी या सेल्स लॉ के जो थ्योरीज डिस्कस करा उदों उसको स्टडी करा। तो लेकिन केन्स जो है इन वेरिएबल्स को स्टिकी मान कहते हैं इन डिजायर्ड लैवल से चेंज करने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए। तो वो कहने लगे कि प्राइसिस एंड वेजिस इक्विलिब्रियम लैवल से लॉन्ग रन प्राइसिस एंड वेजिस रीच देयर इक्विलिब्रियम लैवल अपने नवे संतुलन से वो पहुँच रहे हैं लॉन्ग रन शॉर्ट रन नहीं पहुँच। तो मोटे तौर पर असं ये कह सकते हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो जो अपने थ्योरीज को डिस्कस करते हैं वो शॉर्ट रन गेंस जो डिस्कस करते हैं वो लॉन्ग रन वो दोनों वेरिएबल्स जिस तरह प्राइस है वेजिस की गल करते हैं दोनों अपने अपने हिसाब के नो गल करते हैं। तो जिस तरह प्राइसिस एंड वेजिस क्लासिकल इकोनॉमिस्ट वो फ्लैक्सीबल मानते हैं शॉर्ट रन गेंस जोड़ा है इन्हों स्टिकी मानता है स्थिर मानता है ते ओ लॉन्ग रन दे विच ओ प्राइसिस एंड वेजिस नो लैके
इस करके लेकिन कुछ पॉलिसी मेकर जो जो अस पॉलिसी बनाने कोई भी नीति असं बनाने नीति जो बनाते हैं वो कल असी अल्पकाल की नहीं बनाते जी लोंग रन की नहीं बनाते असी शोर्ट रन में भी देखते हैं थोड़े समय में भी देखते हैं असं दीर्घकाल में भी देखते हैं तो पॉलिसी मेकर जो पॉलिसी बनाते हैं वो दीर्घकाल ध्यान रखते हुए शोर्ट रन दरूरत ने अल्पकाल जरूरत ने वो भी ख्याल रखते हैं तो उन्होंने थोड़े समय के बीच के प्राइसिज एंड वेजिज जो वह रिजिड हो सकते हैं स्थिर हो सकते हैं थोड़े समय के बीच भी उसमें भी ख्याल रखते हुए पॉलिसी जो बनानी चाहिए तो ये शोर्ट एंड लोंग रन का कंसैप्ट है जो कि जो ज़्यादा क्लियर होगा जो अस डिफरेंट थ्योरीज में देखा तो इस तरह ही जो फ्लो ऑफ कैपिटल इनपुट है जो असं पूंजीगत वस्तुओं व्यापक सैक्टर के प्रवाह करते हैं तो इसमें कुछ टाइम लगता है। ये टाइम जरा है एक सैक्टर को दूसरे सैक्टर एग्रीकल्चर सैक्टर को इन्वेस्टमेंट जी फ्लो करती है एग्रीकल्चर तो इंडस्ट्री तो इंडस्ट्री तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो इसमें टाइम लगता है। यह जो टाइम है इसमें लंबा समा लगता है ना कि शोर्ट टर्म। तो द मूवमेंट ऑफ कैपिटल अक्रॉस कंट्रीज जो एक कंट्री तो दूसरे कंट्री कैपिटल की मूवमेंट होती है तो इसमें भी टाइम लगता है इक्वल लेवल पर पहुंचने के लिए। इट इज ऑल्सो ए लॉन्ग रन कंसैप्ट नॉट ए शोर्ट रन कंसैप्ट थोड़े समय का कंसैप्ट नहीं है। तो ये जो इसका इंपैक्ट है इस तरह के फ्लो का जिस तरह एक्सपोर्ट इंपोर्ट का या गवर्नमेंट जो भी कोई पॉलिसी बनाती है तो गवर्नमेंट सपोज पॉलिसी बनाती है कि असी इंप्लॉयमेंट को इनक्रीज करना या अनइंप्लॉयमेंट असी घटाने जब असी प्राइसिस तो नहीं असी ग्रोथ रेट को इनक्रीज करना तो ये जो ग्रोथ रेट है तो एक महीने च या दो महीने च या इंप्लॉयमेंट असी एक दो महीने च इनक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते इट टेक्स ए लॉन्ग टाइम। तो नेक्स्ट जरा कंसैप्ट असी डिस्कस करना है वो है इकोनॉमिक मॉडल्स। इकोनॉमिक मॉडल एक रियलिटी का वास्तविकता का एक सिंपलीफाइड एक सरल वर्शन है। ये सानू अंडरस्टैंड करने समझने के लिए सानू मदद करता है एनालाइज विश्लेषण करने के लिए जरा आर्थिक बिहेवियर है जरा उसकी भविष्यवाणी करने के आने वाले समय में की होगा ये आर्थिक मॉडल सा उसके हेल्प कर। इकोनॉमिक मॉडल जोड़ा है वह माइक्रो इकोनॉमिक एजेंट भी हो सकता है जिस तरह के हाउस होल्ड्स ज फॉर्म्स मैक्रो इकोनॉमिक्स असी जो मॉडल बनाने हैं वो पूरी इकोनमी के बिहेवियर को स्टडी करने के हेल्प कर। जिस तरह सैकेंड फाइव ईयर प्लान जी असी बनाई सी वो एक साडा इकोनॉमी सी पीसी बैन नोबेज पीसी बैन नोबेज के मॉडल के आधार पर असी सैकेंड फाइव ईयर प्लान बनाई सी। इस तरह ही होर कई तरह के कई इकोनॉमी द्वारा मॉडल जो ने वक्रे वक्रे प्लैन के असं बनाए एक ही मॉडल जोड़ा है हरेक प्लैन लागू होगा ऐसा नहीं होंगे प्रायरिटी के मुताबिक पॉलिसी के मुताबिक गवर्नमेंट मॉडल जोड़े ने वह चेंज होंगे रहेंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के असं जो संबंधित जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स ने जिस तरह इनकम है आउटपुट है एक्सपेंडिचर्स हैं इन्वेस्टमेंट है सेविंग है एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट है इसमें असं की करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं आइडेंटिफाई का मतलब पहचान करते हैं कि किन्ना सेविंग रेट है किन्नी ग्रोथ रेट ऑफ इनकम है किन्ना इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ रेट है फिर असी इन आपस रिलेशनशिप जो है वह स्थापित करते हैं कि जो इनकम इस रेट के नाल बढ़ती है तो इस इनकम रेट जो वाधा असी करना है तो सानू इन्वेस्टमेंट किस रेट के नाल करनी होगी जो इन्वेस्टमेंट इस रेट नाल करनी होगी तो सानू सेविंग किस
ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਸੇਵਿੰਗ ਉਸ ਰੇਟ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਧੇਗੀ ਜੇ ਇਨਕਮ ਉਸ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਵਧੇਗੀ। ਤੇ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ, ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਡਲ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਸਾਈਜ਼, ਇੱਕ ਐਗਜੈਕਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕੇਵਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਡਲ ਕੁਛ ਅਜੰਪਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰਟ ਰਨ 'ਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲੌਂਗ ਰਨ 'ਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਕਿ ਓਪਨ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਅਜੰਪਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲਸ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਜਨ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਐਗੀਗੇਟ ਵੇਰੀਏਬਲਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁੱਲ ਵੇਰੀਏਬਲਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਟਲ ਕੰਜਮਸ਼ਨ, ਕੁੱਲ ਉਪਭੋਗ, ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ, ਨੈੱਟ ਐਕਸਪੋਰਟ, ਨੈੱਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਮਾਈਨਸ ਇੰਪੋਰਟ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਇਲੀਬ੍ਰੀਅਮ ਲੈਵਲ ਆਫ ਆਊਟਪੁੱਟ ਫੋਰ ਦਾ ਇਕੋਨਮੀ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਲ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਰਮਸ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗਰੋਥ ਰੇਟ, ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੇਮੈਂਟ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਰਿਚ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੂਅਰ ਕੰਟਰੀ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਈ, ਜੇ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 8% ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ 'ਚ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਸ 8% ਦੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 9% ਹੋ ਜਾਵੇ, 10% ਹੋ ਜਾਵੇ, 11% ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਰੇਟ ਆਫ ਸੇਵਿੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
एनुअल ग्रोथ रेट जैसे पता करना होगा जो करंट ईयर की वैल्यू है, करंट ईयर की वैल्यू के पिछों पिछले साल की जो वैल्यू है, जो मतलब असं ग्रोथ रेट पता करना है तो वर्तमान साल के जो साडे नैशनल इनकम है तो पिछले साल जी नैशनल इनकम है उसके वर्तमान पिछले साल की नैशनल इनकम से माइनस करती, फिर जी पिछले साल की जी नैशनल इनकम से उसने की करता डिवाइड करता मल्टीप्लाइड बाय 100 तो यह साढ़े को आ गई ग्रोथ रेट। मैं हूँ ही दसिया जो असं जी डी पी ग्रोस डोमैसटिक जी डी पी होंगी है ग्रोस डोमैसटिक प्रोडक्ट ग्रोस बने कुल घरेलू उत्पादन जो असं मेल करना हो किस दर बढ़ रहा है तो असं वर्तमान साल के जी डी पी लवेंगे तो पिछले साल की जी डी पी माइनस कर देंगे वर्तमान साल के पिछले साल की जी डी पी डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाय 100 जो अं करेंगे तो सानू ग्रोथ रेट जो है वह पता लगे। तो इस ग्रोथ रेट के नाल सानू पॉलिसीज बनाने विच हेल्प मिलेगी। नैक्सट जो कंसैप्ट असं स्टडी करना है वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की होंगी है ये असं माइक्रोइकोनॉमिक्स से स्टडी की हुई है कि वक् वक् वस्तुओं के जोड़े दो वस्तुओं के जोड़े जिड़ी के दिते हुए साधनों के नाल असं उत्पादित कर सकते हैं उत्पादन कर सकते हैं मतलब एक फैक्टर जो प्रोडक्शन या इनपुट साढ़े को दिता हुआ है उन्होंने नाल असं वध तो वध दो वस्तुआं जिहड़ियां ने या उन्होंने किवें पैदा कर सकते किन्ना पैदा कर सकते हैं तो उन्होंने जे असी आपस कर्व के रूप में बना लीए उन्होंने एक्सप्रैस कर दीए प्रोडक्ट कर दीए तो उसमें असं कहने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर संभावित उत्पादन वर्धन कर सकते हैं जिस तरह के डायग्राम के वाई एक्सिस से कैपिटल गुड्स और एक्स एक्सिस से कंज्यूमर गुड्स नो शो किया हुआ है तो जी ये कर्व है एक कर्व के दो पॉइंट लिखे हुए हैं ई एंड एफ। इस कर्व के उत्ते जिन्हें भी कंबीनेशन दिते हुए हैं कैपिटल के कंज्यूमर के उत्ते तो दिते हुए साधनों के नाल असीं मैक्सीमम ये वस्तुआं पैदा कर सकते हैं तो हुण ई अते एफ एफ विदो सानूं शो करता है कि कैपिटल गुड्स असीं ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं अते कंज्यूमर गुड्स घट पैदा कर रहे हैं लेकिन जे असीं कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा पैदा करना चाहते हैं कैपिटल गुड्स घट पैदा करना चाहते हैं तो ई कंबीनेशन असीं यूज कर सकते हैं मतलब कर सकते हैं तो ये जो ई एफ या बाकी जो कंबीनेशन इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ते पाए जाते हैं इसका मतलब जो भी साढ़े को रिसोर्सिज अवेलेबल है जो भी साढ़े को साधन है उन्होंने असीं मैक्सीमम यूटिलाइज कर रहे हैं मतलब दैट इज फुली यूटिलाइज उन्होंने असीं पूर्ण रूप के मैक्सीमम यूटिलाइज कर रहे हैं लेकिन जे उत्पादन जड़ा है ए इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ते उत्पादन नहीं होता असीं ए या डी कंबीनेशन एक्स कैपिटल ते कंज्यूमर गुड्स का पैदा करते हैं तो इसका मतलब रिसोर्सिज की अंडर यूटिलाइजेशन है रिसोर्सिज नूं असीं मैक्सीमम यूटिलाइज नहीं किया जिन्ना असीं इन्हां नूं यूटिलाइज कर सकते सीगे जिन्ना असीं इन्हां का प्रयोग कर सकते सी उन्ना प्रयोग नहीं किया उस तो घट प्रयोग किया लेकिन जरा जी कंबीनेशन है इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व तो जो बाहर है तो यह सानू शो करता है कि गिवन रिसोर्स के नाल असी जी कंबीनेशन अचीव नहीं कर सकते जी जरा कंबीनेशन जो कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स ये एक हायर लैवल का ग्रोथ रेट है विच कैन नॉट बी अचीव विद द गिवन रिसोर्स तो सामान के नाल असी इन्हों नहीं पहुँच सकते जे इस अचीव करना है जो सानू रिसोर्स ज़्यादा यूज करने पैने असी की कर सकते हैं रिसोर्स सेम रहें टैक्नोलॉजी के इंप्रूवमेंट करके असी जी कंबीनेशन के अचीव कर सकते हैं
ਅਤੇ ਉਸ ਜੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਅਚੀਵ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਰਵ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਰਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਟ ਸ਼ੋਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੁੱਲੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਪਟੀਮਮ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਵਿਦ ਇਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਬਿਲੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਅੰਡਰ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਰਵ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵਧਾ ਕੇ ਜਾਂ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਬਾਈ ਯੂਜਿੰਗ ਦਾ ਗਿਵਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਕਿ ਏ ਅਤੇ ਡੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੇ ਏ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਅੰਡਰ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਰ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿੰਨੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈ, ਉਨੀ ਹੀ ਐਕਚੁਅਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਵਿਕ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕੰਟਰੀਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚਾਈਨਾ ਵਰਗੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਜਾਂ ਗਰੋਥ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ। ਤਾਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪੋਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਪਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਰੇਕਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਹੈ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੋਂ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਈਜ਼ ਉਸਦਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਡੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕਨੇਡਾ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 20th century ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, 20th century ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਲੇਕਿਨ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰ ਕੈਪਟਾ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ, ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨਿਟਰੀ ਫੰਡ IMF ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰ ਕੈਪਟਾ ਇਨਕਮ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਪਰ ਕੈਪਟਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਦੀ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ
मतलब 20वीं सदी के शुरू में अर्जेंटीना की जी इनकम है पर कैपिटा इनकम फ्रांस और जर्मनी से ज्यादा सी, लेकिन 2019 के अर्जेंटीना की जी पर कैपिटा इनकम है वो जापान सॉरी फ्रांस और जर्मनी के नालों की है। तो इसका मतलब की होया कि इस पीरियड के दौरान मतलब 20वीं सदी के शुरू को लेकर 2019 तक फ्रांस और जर्मन की जी ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम है या ग्रोथ रेट ऑफ जी इनकम है वो अर्जेंटीना के नालों की है ज्यादा। तो ये कुछ इकोनॉमिस्ट इस का एनालिसिस करते हैं कि अर्जेंटीना की जी ग्रोथ रेट है वो स्टैगनेंट हो गई, स्थिर हो गई कुछ कारण करके, जिसके एक कारण जिस तरह उत्थे राजनीतिक अस्थिरता पीड़ित इंस्टेबिलिटी हो गई, तकनीकी जी प्रगति की घाट है, मोर ओवर जी है उन्होंने एक्सपोर्ट प्रमोशन की मतलब निर्यात किमें बढ़ाया जाए इस नीति की जगह पर आयात का प्रतिस्थापन किमें किया जाए, मतलब जी वस्तुओं को असं आयात करते हैं उन्होंने अपने देश किमें बनाया जाए, आयात में किमें घटाया जाए, इस नीति की पालना की ना कि इस गल की कि दूसरे देशों को अपनी बनी हुई वस्तुओं को किमें बेचा जाए। तो ये कुछ मतलब कारण जो इकोनोमिस्ट दोनों का एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं। फिर मोरओवर अर्जेंटीना के इकोनोमिस्ट के मुताबिक जो डेटा दसता है आंकड़े दसते हैं कि इनफ्लेशन की उम्मीद भी काफ़ी ज्यादा। तो दूसरी एग्जाम्पल जी है जो अभी ग्रोथ रेट का मतलब ये एग्जाम्पल सू शो करती है कि जो अभी ग्रोथ रेट या पर कैपिटा इनकम या नैशनल इनकम की ग्रोथ रेट एक कंट्री की दूसरे कंट्रीज के नाल कंपेयर करते हैं तो सू कारण पता लगता है कि एक कंट्री की ग्रोथ रेट के वाधा क्यों हो रहा है, दूसरे कंट्री की ग्रोथ रेट के कमी क्यों हो रही है, ठीक है, उसके की कारण है। तो इसी तरह असी जे ग्रोथ रेट ऑफ या पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया और चाइना की कंपेयर करिए 1990 तक जी जी डी पी पर कैपिटा जी डी पी है वो इंडिया चाइना की कंपेरेबल सी, जब इंडिया की जी पर कैपिटा इनकम है मतलब जी डी पी है वो चाइना के नालों थोड़ी जी ज़्यादा सी, लेकिन 2018 के देखते हैं कि चाइना की जी डी पी के नालों इंडिया की जी डी पी सिर्फ 20% रहे, मतलब कि काफ़ी घट, मतलब 1/5 असी कह सकते हैं चाइना के नालों। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, इन्होंने कारणों को असी स्टडी कर सकते हैं। तो असी सानू जिस तरह रूल 70 के बारे भी सानू पता होएगा कि इस दे विच की है कि जे असी पैसे को डबल करना होगा, मनी को डबल करना होगा, जिस तरह सपोज एक बैंक के असी 1,000 रुपया सेव करते हैं, ब्याज की दर जी है प्रति वर्ष 1% हो गई, तो 70 साल 70 रूल 70 का मतलब की है 70 साल 1% ब्याज की दर के नाल जे असी 1,000 रुपया सेव करते हैं तो वो की हो जाएगा, डबल हो जाएगा, वो 70 साल की हो जाएगा 2,000 हो जाएगा। जे रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% हो गए 7% हो गए तो पैसे को डबल होने के 10 साल लगेंगे। तो फार्मूला की है कि नंबर ऑफ ईयर्स टू डबल द अमाउंट, जे असी पैसे को डबल करना चाहते हैं तो 70 असी रेट ऑफ इंटरेस्ट के नाल की है डिवाइड करना है, जे रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% है तो 70 / 1 तो सू 70 साल लग जाएंगे, जे रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% है तो 70/70/2 तो कितने लगने 35 ईयर्स। तो इस तरह 70/ रेट ऑफ इंटरेस्ट असी ये पता कर सकते हैं कि कितने साल के जी पैसे ने वो की है डबल होने। तो इस तरह जो नैशनल इनकम की जी ग्रोथ रेट है वो सानू हेल्प कर रही है एक कंट्री दूसरे कंट्री कंपेयर करने
एक पीरियड नूं दूसरे पीरियड दे नाल कंपेयर करन दे विच, एक स्टेट नूं दूसरे स्टेट दे नाल कंपेयर करन दे विच कि किस स्टेट दे विच ग्रोथ रेट घट हो रही है, किस स्टेट दे विच ग्रोथ रेट की है ज्यादा। अते जिहड़ी इकोनॉमिक ग्रोथ है इहदी जिहड़ी स्टडी इस करके भी इंपोर्टेंट हो जाती है। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਇਨਕਮ ਦੀ ਸਪੋਜ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਜਮਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਿੰਗ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਦ ਮੋਰਓਵਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਘੱਟ। ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਸ ਨੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਜਾਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰੋਥ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਅਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਾਰਨਾ। ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਥ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਹੈ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਵਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀ ਘਟੀ, ਇਨਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕਿੰਨੀ ਘਟੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਵੱਧ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਿਵਿੰਗ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਿਵਿੰਗ ਵਧਿਆ, ਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰ ਕੈਪਟਾ ਇਨਕਮ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜੋ ਇਨਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਇਨਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੇਠਲਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੰਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਐਂਡ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਬਲ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ। ਤਾਂ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਹੋਇਆ, ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਮਾਟਰ ਦੀ, ਪੋਟੈਟੋ ਦੀ, ਜਾਂ ਪੈਸ਼ਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੀ, ਨਾਸ਼ਨ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਗਈ, ਜਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਗਈ, ਜਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਗਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫਿਨੋਮਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੇਜਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਘੱਟ ਜਾਣੀ। ਜੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ DMS ਅਲਾਉਂਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, DA ਉਹ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੇਜਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ
इनकम रियल इनकम जी वास्तविक इनकम जी सेम रहे उन्होंने खरीद शक्ति पहला नालों ना घटे। जो प्राइस लैवल ज़्यादा होती है प्राइस लैवल जो बहुत सारे कारण हो सकते हैं डिमांड वाधा होना या उत्पादन की लागत वाधा हो जाना ज वेजिस बदन के कारण कीमत बढ़ सकती हैं ज होर बहुत सारे कारण हो सकते हैं कीमतों में वाधे होने का। लेकिन जो कीमत बढ़ती हैं तो उसका इंपैक्ट जरा है पूरी इकोनमी पर पैदा है उस इन्वेस्टर है वो भी शेकी हो जाता है वो भी उसकी इन्वेस्टमेंट जरा वो घटाला जाता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर भी उसका असर हो जाता है अनरेस्ट जरा है इंपलाइज के जिम्मे इंपलाइज की जी रियल इनकम है वो की है घट जाती है अनइंप्लॉयमेंट भी इस की है क्योंकि जो इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करता प्रोडक्शन का लैवल जरा घट जाता है तो उस केस के जरा है डिमांड भी कई बार क्योंकि कीमत बढ़ने के परचेजिंग पावर घटती डिमांड घटती डिमांड घटने प्रोडक्शन घटेगी तो प्रोडक्शन घटने का लोगों को रुजगार भी की है घट मिलेगा तो जो बजट है अर्थव्यवस्था जो बजट है वो सारा की है डिसऑर्डर हो जाता है वो सारा हिल जाता है। इसका जो नैक्सट कंसैप्ट है इनफ्लेशन के अनइंप्लॉयमेंट अनइंप्लॉयमेंट जी है डिवेल्प कंट्री अंडर डिवेल्प कंट्री या पुअर कंट्री के नेचर के फर्क होता है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग वेज रेट से कोई बंदा वर्तमान मजदूरी दर पर काम करना चाहे परंतु उस काम ना मिले उस रोजगार ना मिले तो उसे अनइंप्लॉयमेंट कहना है। तो अनइंप्लॉयमेंट सानू पता है कई तरह की होंगी है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जोड़े ने वो फुल इंप्लॉयमेंट के कंसैप्ट लैके चल रहे हैं कि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की हालत होंगी या पूर्ण रोजगार की हालत के इक्विलिब्रियम होंगे। लेकिन केन्स मानते हैं कि जुड़े नहीं कि इक्विलिब्रियम पूर्ण रोजगार की हो मानते हैं कि बिलो फुल इंप्लॉयमेंट भी इक्विलिब्रियम जोड़ा है वो हो सकता है। ठीक है जे अनइंप्लॉयमेंट होंगी है किसी भी कंट्री के उस कंट्री के लिए चंगा नहीं है क्योंकि ये इनकम तो उन्होंने घटती है कंट्री की इनकम तो घटती है मोर ओवर जी वैल्यूएबल रिसोर्स ने ह्यूमन रिसोर्स ने उन्होंने लॉस भी होंगे। तो आम तौर से जो देयर इज ट्रेड ऑफ बिटवीन इनफ्लेशन एंड अनइंप्लॉयमेंट जे अनइंप्लॉयमेंट होएगी तो इनफ्लेशन घट होगी जे अनइंप्लॉयमेंट घट होएगी मतलब रुजगार लोगों को ज़्यादा मिलेगा तो उल्ट होएगा इसका मतलब इनफ्लेशन इफ हाई अनइंप्लॉयमेंट विल बी लेस एंड इफ इनफ्लेशन इज लेस तो अनइंप्लॉयमेंट की होएगा ज़्यादा होगा। तो इन असं कुछ ना कुछ जरा है वो एडजस्टमेंट करनी होती है कि किस तरह किन्नी क इनफ्लेशन की प्राइस राइज जरा कि हमारी इकोनमी के लिए असी बर्दाश्त कर सकते हैं या ठीक होएगा ताकि असी इंप्लॉयमेंट की रेट की है इनक्रीज कर ये ऐसा है कि इसमें जो असं डिटेल जाइए कि जो असं इंप्लॉयमेंट बढ़ाते हैं इंप्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए जोड़े फैक्टर जो प्रोडक्शन है इनपुट है उन्होंने जी डिमांड की है ज़्यादा होएगी जो डिमांड होएगी तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी कॉस्ट ज़्यादा होएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो प्राइसिस की है ज़्यादा होगी तो इस तरह इसमें अभी समझ सकते हैं। नैक्सट कंसैप्ट जोड़ा है वो है बिजनेस साइकिल। तो बिजनेस साइकिल का मतलब है कि किसी भी कंट्री के भी जी इकनोमिक एक्टिविटीज ने जी आर्थिक क्रियावान ने उन्होंने उतार चढ़ाव होंगे रहे किसी सर्टन पीरियड के ग्रोथ रेट जो है नैशनल इनकम का या जी डी पी का ज़्यादा हो दूसरे समय के ग्रोथ रेट की है घट हमें असी एग्जाम्पल अर्जेंटीना की की है असी एग्जाम्पल जी कुछ देर पहला जापान की की ग्रोथ रेट जी है वह घटती बढ़ती रही इस
आम तौर पर जो ऑल्टरनेटिव फेजिस होंगे कभी ग्रोथ हेट वह गई कभी ग्रोथ हेट की है ये जो स्टेजिस ने या जी फेजिस ने उन्होंने अस कहने बिजनेस साइकल्स व्यापारिक चक्कर व्यापारिक चक्कर के चार फेजिस होंगे एक एक्सपेंशन जिसनों अस प्रोस्पैरिटी या विस्तार कह दें एक है रिसेशन जिसनों अस सुस्ती कह दें एक है डिप्रैशन जिसनों अस मंदी काल का समय कह दें एक है रिकवरी जिसनों अस पुनर्कार कह दें तो बूम रिसेशन डिप्रैशन रिकवरी चार फेजिस ने व्यापारिक चक्कर के इन्हों का जरा समा है जी अवधि है आम तौर पर कोई फिक्स का समा इन किसी भी बिजनेस साइकिल का किसी भी कंट्री में नहीं होंगे ऐसा नहीं होंगे कि इंडिया में जरा बिजनेस साइकिल का समा इन्ना होएगा अब चाइना में यह होएगा जापान यह होएगा यूएसए में यह होएगा ज पिछले बारी व्यापारी चक्कर का समा येगा इस बारी व्यापारी चक्कर का समा एवं इन्ना ही होएगा या इस तो घट या वध होएगा ऐसा असं प्रडिक्शन कोई नहीं कर सकता आम तौर पर इसका जरा टाइम है वह 2 साल तो लेके 12 साल तक होंगे 2 to 12 years लेकिन ये 2 to 12 ये जनरल है तो ऐसा फिक्स नहीं है कि भी 12 साल तो ज़्यादा भी नहीं हो सकता जनरली इस तरह होंगे तो जो डिप्रैशन होंगी है डिप्रैशन या कॉन्ट्रैक्शन उदों होंगी है मतलब सारे उद्योगों में तो उदो फिर उन्होंने रिसेशन के बीचों गुजरना होंगे एक इंडस्ट्री जी है दूसरी इंडस्ट्री के रिसेशन जो तो आ रहा है रिसेशन तो गुजरते गुजरते वो की है डिप्रैशन के पहुँच जाते इस तरह ही जो प्रोस्पैरिटी होंगी है खुशहाली होंगी है या बूम होंगे तो उसके भी कई तरह के लिंकेजिज कई तरह की कड़ियाँ जो स्थापित होंगे ने इनपुट आउटपुट के अते डिमांड रिलेशन होंगे ने मतलब मंग संबंध ने कई इंडस्ट्री के आपस एक इंडस्ट्री की डिमांड जी है दूसरी इंडस्ट्री में जुड़ी होंगी एक सैक्टर की जी डिमांड है दूजी सैक्टर के नाल जुड़ी होंगी तो इस बिजनेस साइकल्स में असी जो फ्लक्चुएशंस ने उतार चढ़ाव तो इन अंतर असी कर सकते हैं आम तौर पर जोड़े फ्लक्चुएशंस ने लार्जर होंगे ने लोंगर होंगे ने वाइडली जोड़े ने डिफ्यूज होंगे बिजनेस साइकिल के असी आम तौर पर ऑबजर्व करते हैं कि जोड़े आपस संबंधित वेरिएबल्स ने वो कट्ठे मूव करते हैं लेकिन फ्लक्चुएशन के लेवल ऑफ आउटपुट एज वेल एज इंप्लॉयमेंट इनवैसटमेंट कंजम्पशन रेट ऑफ इंटरस्ट और प्राइस लैवल जोड़े ने साइमल्टेनियसली होंगे है द इमीडिएट इंपैक्ट जोड़ा है रिसेशन या एक्सपेंशन का वस्तुओं के जो भंडार से पैदा है रिसेशन उदों होंगे जो इनवेंट्री जरा स्टॉक है इकट्ठा होना शुरू हो जाता है एक जरूरत तो ज़्यादा जिन्ना सानू जरूरत होंगी है वस्तुओं के भंडार की उस तो ज़्यादा जे असी वस्तुओं के भंडार इकट्ठे कर लिए तो इसका मतलब ये डिमांड की है घट गई डिमांड घटन के नाल स्टॉक साढ़े को ऑलरेडी ज़्यादा है तो जी रिसेशन जी है वह आम तौर पर हो जाती है तो जो रिकवरी स्टार्ट हो जाती है तो रिकवरी स्टार्ट होती है तो एग्रीगेट डिमांड जी कुल मांग बढ़नी शुरू हो जाती है डिजायर्ड लैवल तो जो साढ़े को स्टॉक है वह की है घटना शुरू हो जाता है ये जी प्रोडक्शन है वह बढ़नी शुरू हो जाती है इनवैसटमेंट बढ़नी शुरू हो जाती है जो बिजनेस साइकल्स ने इंटरनेशनल लैवल के करैक्टर रखते हैं एक कंट्री जो इनफ्लेशन होती है या बूम होता है तो उसका प्रभाव दूसरे देश से भी पड़ता है जे एक कंट्री रिसेशन होती है तो दूसरे कंट्री भी रिसेशन आनी शुरू हो जाती है जिस तरह अजकल रिसेंटली यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रही है उन्होंने कंट्री के जो भी इकोनॉमिक सिचुएशन होएगी उसका जो इंपैक्ट है कला उन्होंने दो देशों से नहीं होएगा सीमित होएगा उसका जो इंपैक्ट है उसका जो प्रभाव है दूसरे देशों पर भी पड़ेगा तो दूसरे देशों के जो बिजनेस साइकल्स ने दूसरे देशों की
जी इकोनॉमिक ग्रोथ के दूसरे देशों की जी इनफ्लेशन सिचुएशन वो भी असी अच इन्हें करना सी नेक्स्ट टाइम असी जो नेक्स्ट टॉपिक उसमें डिस्कस कर